हमारे पास क्या है, अगर हम अब ये कह रहे हैं बेटे, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, ये मेरे पास है एपी, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, और मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखूं, 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, तो अगर आप इनका सम लेंगे कोरस्पॉन्डिंगली तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास ये 7 आएगा, ये भी 7 आएगा, ये भी 7 आएगा, ये भी 7 आएगा, ये भी 7 आएगा और ये भी 7 आएगा। तो हमारे पास क्या है, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये मेरा AP1 है और ये भी मेरा वही AP है लेकिन रिवर्स ऑर्डर में है। तो अगर मैंने इनका सम किया है तो ये मेरा 2 AP हो गया। अब ये 7 कितने टाइम आया भाई, हाउ मेनी टाइम्स इज 7 कमिंग, अगर 7 ऐड करना है, 7 टू टाइम आएगा तो 7 टू जा 14 कर सकते हो, 7 थ्री जा आएगा तो 7 थ्री जा कर सकते हो ना, 7 इज कमिंग 6 टाइम, 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और हम कह रहे थे ट्वाइस एपी, तो एपी हमारा आ जाएगा 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6/2 × 7, तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब जरा मैं देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अब मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ 6 मेरा क्या था, 6 मेरा था नंबर ऑफ टर्म्स, तो उसको 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि आपने पेयर्स बना लिए, नंबर ऑफ टर्म्स को 6 टर्म्स थे आपके पास, आपने 2 से डिवाइड कर दिया, इट मीन्स यू हैव 3 पेयर्स, और 7 क्या था आपका, 7 था आपका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम। तो बेटे यही एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, इसको भी दोबारा से भी करेंगे कि सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दैट इज अवर सिंपल फॉर्मूला फॉर एपी। आया क्या कुछ समझ में, अगर आपके पास एपी है जी सर, तो सम ऑफ एन टर्म n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होते हैं। इसको दोबारा से मैं कुछ कर रहा हूँ, लास्ट टर्म का मतलब होता है nth टर्म, सब बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, nth टर्म का मतलब होता है a + n-1 × d, तो a और a हो जाएगा 2a, तो सिंपली यू कैन से n/2 2a + n-1 × d, तो इट इज अवर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। बट जब आप एपी में कर रहे हो तो उस तरह से तो बताओगे नहीं कि 1 + 6 = 7 होता है। अब एपी की फॉर्म में देखो इस सारी चीज को, यही दो फॉर्मूले हैं बेटे, दो कह लीजिए या एक कह लीजिए, सब बच्चे जरा ध्यान से, चैप्टर आपका खत्म हो चुका है क्योंकि आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका सीख लिया है। एक्चुअली क्या है, चाहे वो पहला वाला फॉर्मूला हो चाहे ये वाला फॉर्मूला हो, इसमें भी फर्स्ट टर्म चाहिए, nth टर्म चाहिए, पोजिशन चाहिए, वहां टर्म निकाल रहे थे, यहाँ सम ऑफ एन टर्म निकाल रहे हैं, तो वही 4 क्वांटिटीज यहाँ इन्वॉल्व हैं, 4 बेटे वहां थी, तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का तरीका आपने सीख लिया है, फॉर्मूला मालूम हो गया, अब सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर किसी आप में से किसी भी बच्चे के पास कॉन्फिडेंस है तो आपका चैप्टर इज ओवर नाउ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है आपके चैप्टर में। तो मेरे पास क्या है, दो तरीके के फॉर्मूले हो गए, एक तो ये सम ऑफ एन टर्म n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और इसी फॉर्मूले को हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया, n/2 2a + n-1 × d। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देगा तो पहला वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, अगर a n d देगा तो लास्ट सेकंड वाला कर लेंगे बस। लेकिन इसको दोबारा से समझो सब बच्चे, जरा ध्यान से, थोड़े से जागे क्या सब बच्चे? यस सर। अब फिर जागो, आओ फिर जागो, देखो दोबारा से देखो हम क्या कह रहे हैं, शाबाश, आइए शाबाश, देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ बेटे कि मेरे पास एपी है, सब बच्चे थोड़ा सा ध्यान से, असल में थोड़ा सा अगर बेसिक्स भी हमें पता होते हैं ना, फाउंडेशन पता होता है चैप्टर का, तो मजा आता है। मजा क्यों आता है, ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ मालूम है उसके बारे में, और इवन अगर कोई बच्चा गलती से आपका क्लासमेट आपका फ्रेंड आपसे पूछ ले और आप उसे गलती से सही तरह से आंसर दे दें, तो फिर मैं सोच सकता हूँ या आप भी सोच सकते हैं कि कॉन्फिडेंस कितना अच्छा होता है, होता है नहीं होता, तो फिर हमें लगता है कि मुझे सब आता है, और बस वही कॉन्फिडेंस तो चाहिए, सिर्फ उतना सा ही तो फर्क है। आओ सर, हमारे पास क्या है, एपी है, तो एपी क्या होता है, एपी आपको पता है, वो एपी होता है a1 a2 a3 और ये होता है an।
सब बच्चे थोड़ा सा ध्यान से प्लीज, मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे इनका सम चाहिए, तो सम ऑफ एन टर्म बेटे ऐसा होगा एस एन। सब बच्चे प्लीज ध्यान से देख लीजिए, ए वन ये फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए आ जाता है, अगर एग्जामिनर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाए, सीबीएसई थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाए कि भाई कुछ बच्चों को घुमाया जाए तो ये फॉर्मूला डाल सकता है, ड्राइव द सम ऑफ एन टर्म्स फॉर्मूला ऑफ एपी, तो आपसे इसका डेरिवेशन, आपसे इसका प्रूफ पूछ सकता है, तो ये देख लीजिए। और अगर हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं तो फॉर्मूला तो जिंदगी भर के लिए याद हो ही गया समझो, तो याद तो रखना ही है, तो ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री ये हमारे पास होगा। अब आप सब बच्चे सोचो, अगर मेरे पास लास्ट टर्म nth टर्म है तो उससे प्रीवियस टर्म, उससे एक पोजिशन कम होगा यानी कि n माइनस वन टर्म, और उससे भी एक और प्रीवियस हमारे पास n माइनस टू होगा, यस और नो? जी सर। ठीक है, ये हमारे पास है, तो इसका सम हमें निकालना था और इस सम को हमने कहा सम ऑफ n टर्म, दैट इज एस एन, तो एस एन विल बी द सिंबल ऑफ सम ऑफ n टर्म। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ इनकी वैल्यूज रखना शुरू करो, वैल्यूज क्या रखो कि भाई एस एन जो है वो हो गया सर ए, और ए टू सर हो गया ए प्लस डी, और सर ए थ्री हो गया ए प्लस टू डी। जरा ध्यान से ये हमारे पास है बेटे, मामा से कहिए अंकल के लिए खाना निकाल दें जल्दी से। एनएथ टर्म सब बच्चे बताओ होता क्या है, एनएथ टर्म होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यस और नो? जी सर। Yes, sir. कोई बच्चा मुझे इससे प्रीवियस टर्म बता सकता है, यानी कि n माइनस वन टर्म क्या होगा? a प्लस n माइनस टू डी। यस, अगर आपके पास n था तो आपने बेटे उसमें से वन माइनस किया यानी कि n माइनस वन, बट नाउ योर पोजिशन इज n माइनस वन तो उसमें से भी वन माइनस करेंगे, तो दैट विल बी a प्लस n माइनस टू इंटू डी। हाँ भाई, ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई बेटे? अगर अगर लास्ट वाली टर्म a प्लस 19d है तो फिर उससे प्रीवियस 18d हो जाएगा, तो n माइनस वन में से फिर माइनस वन करिए तो n माइनस टू, और इसी तरह से जो हमारे पास n माइनस टू है बेटे उसमें हमें एक और माइनस वन करना है तो n माइनस थ्री हो जाएगा, तो दैट टर्म विल बी a प्लस n माइनस थ्री इंटू डी। ठीक है, प्लस, तो ये हमारे पास मैंने एक तरह से क्या लिखा है, मैंने एक तरह से ये लिखा है कि ये हमारे पास फर्स्ट थ्री टर्म है और ये हमारे पास लास्ट थ्री टर्म, और इसको मैंने कह दिया कि ये मेरी इक्वेशन वन है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर इसी इक्वेशन को मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं, इन रिवर्स ऑर्डर, जी अच्छा, इन रिवर्स ऑर्डर, सब बच्चे जरा एक बार पेन चलाओ एक सेकंड के लिए, क्योंकि ये डेरिवेशन है 3-4 मार्क्स के लिए, एक बार चलाओ पेन, मैं जरा देखू। देखो भाई सब बच्चे जरा ध्यान से देखो, अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, रिवर्स ऑर्डर, तो करना कुछ नहीं है क्योंकि वही चीज ले रहे हैं, तो सम तो अभी भी वही रहेगा बेटे एस एन। इस लाइन को अगर आपने सही लिख लिया तो आंसर तो अपने आप आ जाना है, तो हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो यहां मैं लिख रहा हूं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सेकेंड लास्ट टर्म फिर मैं यहां लिख रहा हूं ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, फिर थर्ड लास्ट में यहां लिख रहा हूं ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी डैश डैश, और फिर मैं यहां पे लिख रहा हूं थर्ड टर्म ए प्लस टू डी, फिर मैं यहां पे लिख रहा हूं ए प्लस डी, और मैं यहां पे लिख रहा हूं ए, और ये मेरी हो गई सेकेंड इक्वेशन। सब बच्चे बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर। हाँ भाई सब बच्चे। यस सर। अभी तक आपने कुछ नहीं किया है, आपने कहा है कि भाई मेरे पास एपी है ए वन से लेके ए एन तक, ए वन ए टू ए थ्री, उनका सम ठीक है, मैं आज से उस सम को एस कहूंगा, ओके, कितने टर्म्स हैं एन टर्म्स, तो ठीक है सम ऑफ एन टर्म्स कहूंगा, दैट इज एस एन, इज ए न्यू सिंबल।
अच्छा दूसरी बात ये हमें पता है ए वन को हम ए कहते हैं, ए टू को हम ए प्लस डी कहते हैं, ए थ्री को ए प्लस टू डी कहते हैं, ए एन को ए प्लस एन माइनस वन डी कहते हैं, तो हमने वो वैल्यूज रख ली। बट हमने एक बार उसको सीधा स्टेट उसमें ऑर्डर में रखा, फिर हमने उसको रिवर्स ऑर्डर में रखा है। अब मैं कह रहा हूँ अगर हम इसको सम करते हैं, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं सब बच्चे प्लीज ध्यान से देखिए, यही हमारा फाइनल आंसर है कि वन प्लस टू। एक तो ये बेटे हम जान चुके हैं कि अगर ए पी के हम टर्म्स को ऐड करते हैं तो सारों का सम सेम आना है, ये तो हम पहले ही समझ चुके हैं जी सर। लेकिन अब यहाँ भी देखो फॉर्मूले से भी सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स पे नजर रखना सब बच्चे, फर्स्ट टर्म ऊपर वाले में मेरे पास बेटे ए है और नीचे वाले में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। सब बच्चे जरा ध्यान से देख लो, तो अगर मैं इनका सम लूंगा वन प्लस टू तो एस एन एस एन, तो बेटे टू एस एन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कॉरेस्पॉन्डिंग वन टर्म का सम ले रहा हूँ फर्स्ट टर्म का ओनली बेटे, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, तो आपके पास क्या आना चाहिए बेटे, टू ए ए प्लस ए टू ए और एन माइनस वन डी, तो एज इट इज आएगा। यस और नो? Yes. Yes, आप बेटे बस वो तो बात की टर्म्स तो बाद में देखेंगे, जरा लास्ट टर्म का सोचो। लास्ट टर्म में a है और ऊपर वाले में a प्लस एन माइनस वन डी है, तो लास्ट का सम भी क्या आया होगा, a प्लस a प्लस एन माइनस वन। यस और नो? सब बच्चों को ये बात समझ में आई या नहीं आई? yes, तो एक्चुअली यही आना है। अगर आपको याद भी ना रहे समझ में ना आए क्या आ रहा है, तो आपको यही लिखना है दो तीन मरतबा और, 2a plus n minus 1 into d2, because मैंने आपसे कहा है कि equidistance term का सम हमेशा same आना है। जरा लेकिन फिर भी समझने के लिए आप सब बच्चे बेटे जरा second term और second last term को देखो, इस वाले की मैं बात कर रहा हूँ बेटे। जरा a और a तो कितना आएगा बच्चे, 2a। अब जरा d के बारे में सोचो, सिर्फ d के बारे में, सब बच्चे प्लीज ध्यान से d के बारे में सोचेंगे, सिर्फ d के बारे में। देखो नीचे अगर d की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ है n माइनस टू, डी समझ लो कॉमन हो गया, टू को सोचो ही मत, और यहाँ पे है प्लस वन, n माइनस टू प्लस वन क्या होगा, n माइनस वन, तो d तो कॉमन हो गया। दोबारा से देख लो अगर नहीं समझ में आ रहा है, मतलब मेरे पास क्या था बेटे, a प्लस डी और a प्लस n माइनस टू इंटू डी। आपने क्या करा, a और a को टू लिखा प्लस डी को बेटे आपने कॉमन ले लिया, और फिर आपके पास क्या रह गया, वन प्लस एन माइनस टू। यस और नो? सब बच्चे प्लीज समझोगे तो अच्छा लगेगा। डी की जगह बेटे वन आया और एन माइनस टू की जगह बेटे एन माइनस टू आया, एंड दोनों में से डी हमने कॉमन ले लिया। तो अब आप जरा मुझे बता दो, माइनस टू प्लस वन कितना होता है, माइनस वन। वेरी नाइस बेटे, तो आपके पास क्या आएगा, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हर जगह यही आने जा रहा है, दोबारा से देख लीजिए बेटे, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, दोबारा से देख लीजिए बेटे। थर्ड टर्म पे a और a बेटे 2a होना है, a और a क्या होना है, 2a। लेकिन बेटे यहाँ हमारे पास n माइनस थ्री है, यहाँ बेटे हमारे पास n माइनस थ्री है और यहाँ प्लस टू है। बताओ माइनस थ्री प्लस टू कितना होता है, माइनस वन, एन माइनस वन। आप सबको समझ में आ गया होगा शायद, क्या आ रहा है बेटे, 2a plus n minus 1 into d, अपने आप ही यही आना है, लास्ट में भी बेटे यही आना है, 2a plus n minus 1 into d, that's it। अब जरा मुझे आप ये बता दो, ये 2a plus n minus 1 into d, 2a plus n minus 1 into d कितने टाइम आएगा, हाउ मेनी टाइम्स, ये डैश डैश तो हमने वैसे ही लगा रखा है, बट है कितने टाइम्स, यस n टाइम्स, an तो बेटा टर्म था, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n टाइम्स, n टर्म्स, यस n टर्म्स। हमारे पास जो टर्म्स हैं बेटे वो तो n टर्म्स है ना, मान लो 20, तो 20 टाइम्स आएगा, जैसे ऊपर हमने कहा था 6 है तो 6 टाइम्स आ रहा है। यस और नो? यस। हमने बेटे दोबारा से फिर वहीं आ जाइए, भागिए मत, ये हमारे पास थी एपी 1 से लेके 6 तक, तो लास्ट तक हमारी 6 थी, तो इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 6 आए थे, तो जो सम होके आया था और सम हमारा था 7, उसको हमने नंबर ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो कितने टर्म्स थे, 6 टर्म, जितनी टर्म्स होती हैं एपी में। तो यहाँ जो हमने एपी ली है उसमें एन टर्म्स हैं, तो इसका मतलब ये 2a plus n minus 1 into d n टाइम्स आ रहा होगा। आप लोग याद करने के लिए चाहो तो यहाँ लिख सकते हो n टर्म्स, तो अब क्या होगा,
अब मैंने आपसे कहा था अगर ये वाली टर्म टू टाइम आ रही है तो टू से मल्टीप्लाई कर दो, थ्री टाइम आ रही है तो थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, बट इट इज कमिंग एन टाइम्स तो आप इसको एन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एन इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एंड ये है क्या, किसके इक्वल है बेटे, ये ट्वाइस ऑफ सम ऑफ एन टर्म, यस और नो? यस सर। टू को अपॉन में ले आइए, फॉर्मूला आ गया, मुबारक हो, आप डराइव करना सीख चुके हैं कि कैसे आप एपी का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, n by 2 is equal to 2a plus n minus 1 into d, ये है बेटे बस इतना सा। सब बच्चे बताओ थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर। यस सर आया। नुमान की आवाज नहीं आई मुझे, नुमान आपको समझ में आया? यस सर आ गया। वेरी नाइस बेटे, तो ये बेटे हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है, लेकिन आओ बेटे अब इससे निकालेंगे। सब बच्चे प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटे, मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास अगर 2a है तो मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, a प्लस a, लिख सकता हूँ ना बेटे 2a को? सर यस सर। अच्छा बताओ a प्लस n माइनस 1 इनटू d हम किसको कहते हैं आज तक? an an यस, तो लिखो बेटे हम क्या करेंगे, n बाय 2 और a प्लस an। लेकिन अब अगर हमारी ap बेटे a1 a2 a3 an तक है तो ए एन हमारा लास्ट टर्म हो गया ना बच्चे? यस सर, एल। तो ए एन को हम एल लिख देंगे, है ना बेटे? तो यहाँ हमारा आ गया बेटे एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दैट्स इट। तो फॉर्मूला तो बेटे वही है, बस उसका थोड़ा सा शक्ल हमने चेंज कर दिया। तो अगर हमारे पास बेटे फर्स्ट टर्म दिया होगा, अभी क्वेश्चन में से देख लेंगे आपको समझ में भी आ जाएगा, फर्स्ट टर्म दिया होगा, लास्ट टर्म दिया होगा और नंबर ऑफ टर्म्स दिए होंगे बेटे, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास बेटे a गिवन होगा, n गिवन होगा, d गिवन होगा, देखो लास्ट वाले में d नहीं है, अगर d गिवन होगा तो फिर हम ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सब बच्चे जरा बस ये फॉर्मूला लिख लो एक बार, मेरे ख्याल से ऊपर लिख लिया होगा लेकिन लिख लो एक बार, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d, और सम ऑफ n इज इक्वल्स टू n बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और ये नीचे वाला फॉर्मूला तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि भाई एपी का सम क्या होता है, या इक्विडिस्टेंट टर्म का सम जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है, कितने पेयर्स बनेंगे, हमेशा n by 2 पेयर्स बनेंगे, n टर्म्स में से n by 2 आधे पेयर्स बनने, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो बिल्कुल सीधा सा याद रखना है, हो गया। अब छोटे छोटे से क्वेश्चन, बिल्कुल छोटे छोटे, चैप्टर तो हो चुका समझिए, क्योंकि एप्लीकेशन तो सीबीएसई ने मना कर दी है, इसकी जो एप्लीकेशन है वो सीबीएसई ने मना कर दी है कि सम ऑफ एन टर्म्स वाली आपकी जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं आएंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो गायब हो गए, शुरू के क्वेश्चंस हैं, और जो अगर हमने सेकंड एक्सरसाइज सीख ली है तो फिर हमारे ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत इजीली हमें आ जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन देखो, आपको समझ में आएगा कि हाँ ये तो इजी है। सर जी बेटे, सर अगर कोई क्वेश्चन हो उसके अंदर n नहीं हो हमारे पास तो कैसे निकालें? बेटे n निकालना हमने पिछली एक्सरसाइज में सीख लिया ना बेटे, n निकालना बेटे हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा है, अभी आएगा क्वेश्चन जो आप पूछना चाह रहे हो, देखो अभी आएगा। आओ सब बच्चे देखो, अभी जो इन्होंने शफी ने पूछा है वो मैं अभी बताऊंगा, पहले इधर देखो, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का बेटे, बिल्कुल सिंपल जैसे हम पिछली एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं ऐसे ही करेंगे। एपी को देखते ही कि आपको आपसे कह रहा फाइंड द सम, तो सबसे पहली तो बात है मुझे सम निकालना है ऑफ द फॉलोइंग एपी। जैसे ही आपसे एपी कह रहा है क्या आपके पास फर्स्ट टर्म आ गया? यस सर आ गया। क्या कॉमन डिफरेंस आ गया? 5। हाउ मेनी टर्म्स वी नीड टू फाइंड सम? 10। फॉर्मूला क्या बनेगा? एस 10। यस और नो? यस सर। सम ऑफ 10 टर्म्स, फॉर्मूला बताओ क्या होता है? n by 2 10 by 2 2a a कितना? प्लस 7। a कितना? 2 n minus 1 into d इंटू डी। सब बच्चे बताइए समझ में आया या नहीं आया? यस सर। आवाज दो की आ रही है बस। यस सर। यस सर। नहीं सर समझ आ गया। वेरी गुड। 10 बाय 2 क्या हुआ? 5। 2 2 जा 4। 10 माइनस 1 9। 9 5 जा 45। 45 प्लस 4 49। 49। चलिए कितना आ गया? 245।
अब दूसरा क्वेश्चन वही है जो शफी ने अभी पूछा, बस बाकी और ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि यही करना है आपको। देखो अब क्या कह रहा है, याद देखो बेटा जो शफी ने अभी पूछा था वही क्वेश्चन है बस, और यहीं पे आके हमारा एक तरह से चैप्टर ओवर हो जाता है। सब देखो माशाल्लाह वेरी गुड, थोड़ा थोड़ा सा तो लगने लगा कि पढ़ रहे हो, पता नहीं पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। पढ़ रहे हैं सर। अरे एक दो बच्चों से नहीं बात बननी ना, सारे बच्चे पढ़ने लगे तब मजा आए। देखो खामोश हो जाएंगे अब, सुनेंगे भी नहीं। चलो देखो ये हमारे पास है, आपसे कह रहा है फाइंड द सम गिवन बिलो। एक्चुअली क्या होता है बेटे, जब आप टेस्ट देते हैं ना, और टेस्ट पेपर मैं नहीं बनाता हूँ ठीक है, चेक भी मैं नहीं करता हूँ, तो सोचो कोई टीचर कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो टेस्ट आपका नहीं होता है, वो टेस्ट होता है मेरा। और स्पेशली इंस्टीट्यूट स्टडी पॉइंट है तो उसमें तो फिर मेरी ही क्रॉस चेकिंग होती है कि नूर सर का ये बैच है और नूर सर इस बैच को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के मार्क्स कैसे आ रहे हैं, तो वो डिस्कशन का एक टॉपिक हो जाता है कि सर के बच्चों के मार्क्स कैसे हैं, दिखाओ टेस्ट में। तो वो चीज़ आपका टेस्ट नहीं होता ना, मेरा टेस्ट होता है। तो अगर एक भी बच्चा मेरा खुदा ना खास्ता डाउन है, नहीं कर पा रहा है, एब्सेंट है, तो वो आपके लिए नहीं बेटे, मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो आप सोचो, तो जो अच्छा करते हैं उनसे तो माशाल्लाह है ही, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस वेल डन, बट जो नहीं कर पा रहे हैं वो भी तो मेरे स्टूडेंट्स है ना बेटे। तो कोशिश करें आप सब माशाल्लाह, आप लोगों के साथ मेरा नाम जुड़ा होता है, जैसे पेरेंट्स का नाम जुड़ा होता है ना माशाल्लाह से, तो ऐसे ही टीचर का भी नाम जुड़ा होता है। चलिए शाबाश, देखिए आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द सम गिवन बिलो। हमारे पास क्या है, 7 प्लस 10 एंड हाफ प्लस 14 प्लस 84। सब बच्चे प्लीज ध्यान से देखिए, एक्चुअली क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, जब आपको nth टर्म निकालना है तो आपको n मालूम होना चाहिए। सर यही नहीं पता होगा कौन सा टर्म निकालना है तो फिर हम टर्म कैसे निकालेंगे, बाकी कुछ पता हो या ना पता हो। देखो एपी तो बनता ही है ए और डी पे, व्हाट इज फर्स्ट टर्म व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, तो एपी की बात कर रहा है, ये तो मालूम होना ही चाहिए। लेकिन अगर मुझे nth टर्म निकालना है तो मेरे पास n होना चाहिए, विच टर्म। इसी तरह से अगर मुझे सम ऑफ n टर्म निकालना है इन एन एपी, तो अगेन मैं कह रहा हूँ एपी है तो ए डी तो मालूम होना ही चाहिए, बट सम निकालने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे कितने टर्म्स को ऐड करना है, हाउ मेनी टर्म्स। तो n इज मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन बोथ द केसेस। नाउ द क्वेश्चन इज गिवन 7 प्लस 10.5 प्लस 14 अप टू 84 फाइंड द सम। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि इस एपी में हमें ये पता है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? जी सर। कैसे? हमें ये तो पता चल गया एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म 7 है, डिफरेंस हमारे पास 3.5 है और लास्ट टर्म 84 है। 7 से लेके एपी चल रहा है टिल 84, आपको इनका सम निकालना है, बट हाउ मेनी टर्म्स आर देयर ये अभी नहीं पता है। ये बात बताओ सब बच्चों को समझ में आ रही है? That is, यही पॉइंट शफी का था और यही इस क्वेश्चन का पॉइंट है कि हमें अभी नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है तो हमें एन निकालना है। बट यहाँ को इस वाले क्वेश्चन को उठा के अगर मैं फर्स्ट एक्सरसाइज में ले जाऊं और मैं आपसे कहूँ विच टर्म इज 84, विच टर्म इज 84, तो क्या फिर हम एन निकाल सकते हैं? लेट एन एच टर्म इज 84 एंड सो ऑन, यस और नो? यस सर, दैट इज द वे बेटे। तो अगर हमें एन एच टर्म दिया हुआ है और ए डी दिया हुआ है तो हम एन निकाल सकते हैं, और जब हमारे पास n आ जाएगा तब हम सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हैं। इट मींस देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्ट फाइंड द n एंड देन फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो आइए फिर हम वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दो पार्ट में इसको ब्रेक करते हैं। पहले तो ap है, तो ap से हमें क्या मिला, ap से हमें 7 मिल गया बेटे फर्स्ट टर्म, db हमें मिल गया 10.5 माइनस 7 इज 3.5, जैसे आप चाहे लिखना चाहो 7/2 एंड व्हाटएवर। अच्छा जी हमारे पास क्या है, हमें nth टर्म मिल गया बेटे, nth टर्म इज 84। कोई बच्चा मुझे बताएगा nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a कितना है बेटे? 7। n हमें मालूम नहीं है, डिफरेंस कितना है बेटा? 7/2 इज इक्वल्स टू 84। तो आप क्या करिए, 7 को इस साइड लाके माइनस करिए तो आपके पास आ जाएगा 84 माइनस 7 इज 77। That is n minus 1
इनटू 7 बाय 2। आप 2 से बेटे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से बेटे आप डिवाइड करेंगे, तो 7 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 7 से 11 टाइम आएगा, यस और नो? यस सर। और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 11 2 जा 22 प्लस 1 22, वेरी गुड। तो n माइनस 1 इज 22 एंड 1 को प्लस कर दीजिए तो n विल बी 23 टर्म्स। अब आपके पास बेटे n आ गया। अब जरा यहाँ ध्यान से देख लो आप सब बच्चे, प्लीज सब बच्चे ध्यान से देख लो, क्या इस क्वेश्चन में मेरे पास फर्स्ट टर्म है? यस सर। यस सर। क्या मेरे पास लास्ट टर्म है? लास्ट टर्म। यस सर 84। और क्या मुझे नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो गए? यस सर। तो नाउ वी हैव डिफरेंट फार्मूला, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यस सर। तो व्हेनेवर वी हैव फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म विद नंबर ऑफ टर्म्स वी कैन यूज दिस फार्मूला। अदरवाइज आप वो भी यूज कर सकते हो, अगर आपको एक ही फॉर्मूला याद है तब भी कोई परेशानी नहीं, बट थोड़ा सा सिंपल हो जाता। तो n मेरा है 23, फर्स्ट टर्म मेरा क्या है भाई 7 और लास्ट टर्म मेरा क्या है भाई 84। तो ये आंसर है, तो जो भी कैलकुलेशन करके आए वो आप कर लीजिएगा 91। सबको समझ में आ गया? यस सर आ गया। वेरी गुड। आओ जी सर देखो देखो देखो, एक्चुअली क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके इस एक्सरसाइज में, एक क्वेश्चन है और मैं कहता हूँ ये पूरी एक्सरसाइज का जूस है। अगर आपने ये सारे पार्ट्स कर लिए तो इसका मतलब आपने इस एक्सरसाइज को कर लिया। ये वाला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ऑटोमेटिकली हमारे पास लेफ्ट साइड में हमें दिया हुआ है कि भाई हमारे पास क्या क्या है और कॉरेस्पॉन्डिंगली हमें निकालना है। एक्चुअली जैसे मैं करता हूँ ना कि मैं, हमें क्वेश्चन दिया होता है तो क्वेश्चन में से फिर हम निकालते हैं कि भाई हमारे पास क्या ए है, डी है, एन है, एनएच टर्म है, एल है। तो ये यहाँ उसने मेंशन कर दिया अपने आप, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। जैसे पहला वाला पार्ट ही ले लीजिए आप सब बच्चे, फर्स्ट पार्ट ए हमारे पास क्या है 5, डी हमारे पास क्या है 3, एनएच टर्म हमारे पास क्या है 50। अगेन वही आपसे कह रहा है फाइंड एन, और जब n आएगा तब आप sn निकालेंगे, यस और नो? यस सर। तो आप सब बच्चे देख लीजिए an, an हो जाएगा a plus n minus 1 into d। मैं वन लाइन टू लाइन में करना चाह रहा हूं, तो मेरा a दिया हुआ है 5, n minus 1 डिफरेंस इसमें दिया था 3 और nth टर्म दिया हुआ है 50, यस और नो? यस सर। यस। आप सब बच्चे देखो जरा, मैं वन लाइन में सॉल्व कर रहा हूं MCQs स्टाइल में, एक ही लाइन लिखी है और मैं सॉल्व करना है। 5 को इधर ले जाएंगे तो कितना होगा 50 माइनस 5 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 16। सब बच्चों को समझ में आया मैंने करा क्या? जी सर समझ आ गया। तो हमारे पास टर्म्स कितने आ गए 16। तो सम कितना होगा बेटे 16 बाई 2, यस सर नो? यस सर। फर्स्ट टर्म मेरा कितना है 5, लास्ट टर्म कितना है 50। तो 5 प्लस 50 ये मेरा आंसर है, यस और नो? 5। उसे आपके yes, पास sir. आ गया 8 और 55 44, यस और नो? यस सर। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। दो तीन बच्चे बोलते हैं, सारे तो बोलते नहीं है। हाँ भाई इटालियन, यस सर, कुछ कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये yes, आपकी sir. पूरी अब ये आपकी पूरी एक्सरसाइज का बेटा जूस है एक तरह से। देखो कैसे जूस है, मैं आपसे कह रहा हूँ ये हमने क्वेश्चन देख लिए, अब जरा एक क्वेश्चन ये देखो सब बच्चे ध्यान से, और ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ओनली यू हैव 14 क्वेश्चन, ठीक है? तो 4 से 14 हमारे पास ज्यादा 11 क्वेश्चन है। देखो जरा सब बच्चे ध्यान से, जिन्होंने भी फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज करना सीख लिया है उनको आता है इसका मतलब, ये कैसे हमें अटेम्प्ट करना है। ये आपके पास क्वेश्चन है तो आपको इस क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन लेनी है जैसे अभी उन्होंने दिखाई थी, तो फिर आपको सॉल्व करना है। प्लीज सब बच्चे बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी? तो आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स यस और नो? एन। यस सर। नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है ना आपसे? यस सर। एपी, एपी कहते ही फर्स्ट टर्म मालूम हो गया या नहीं? यस
ये सर हो गया टीवी मालूम हो गया कॉमन डिफरेंस मालूम हो गया या एट ये सर हो गया मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636 क्या सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है ये सर दे दिया सब बच्चे बताइए प्लीज ये सर तो बेटे वो जो क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपसे कह रहा हूँ वो इस फॉर्म में दिया जिस फॉर्म में मैंने लिखा है आपको क्वेश्चन मिलेगा पहले इस फॉर्म में लिख लो अब जरा खुद देखिए कि हमारे पास क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं सम ऑफ एन टर्म्स इन्वॉल्व है फर्स्ट टर्म है डी है एन है तो क्या हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है मैं फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ पहले तो सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल्स टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इनटू डी यस और नो यस सर चलो अप्लाई करो एस एन कितना हुआ भाई 636 एन कितना है भाई नहीं मालूम ए कितना है भाई 9 एन माइनस वन नहीं मालूम डी कितना है भाई 8 ये बस है ठीक है सर आपकी मर्जी है आप 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो कैंसिल करो मैं 2 को कैंसिल कर रहा हूँ यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ अगर मैं 2 कॉमन लूंगा बेटे जरा ध्यान से देख लीजिए अगर मैं 2 कॉमन लूंगा बेटे तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया चॉइस आपकी आप कैसे कैलकुलेट करते हो तो इनसाइड रह जाएगा बेटे 9 प्लस ये रह जाएगा 4 ये क्या रह जाएगा 4 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बेटे 4n-4 4n-4 तो 2 से 2 कैंसिल कैंसिल तो आपके पास इनसाइड बताओ कितना रह गया 636 और ये हो गया 9-5 9-4 5 5+4n n से मल्टीप्लाई तो सिंपली ये हो जाएगा 4n² + 5n - 636 = 0 Now it is a quadratic equation. कौन सी equation है ये? Quadratic. Quadratic equation में n निकालना है. जल्दी से बताओ क्या factors बनेंगे? एक तो हमारे पास 4 है और एक हमारे पास 636 है. और 636 होना कितना चाहिए? 318. 2 × 318. और 318 कितना होना चाहिए हमारे पास? 159 × 2. और 159 के factors क्या हो सकते हैं हमारे पास? 3 से कैंसिल हो सकता है तो 159 के फैक्टर्स हो सकते हैं 3 × 5 × 3 53 तो ये फैक्टर्स कर सकते हो आप जरा देखो इससे कुछ पेयर बन रहा है क्या 4 × 2 = 8 3 × 24 × 2 = 48 यस यही पेयर है तो 48 × 53 अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 आएगा या नहीं आएगा हाँ भाई यस सर 48 53 माइनस करोगे तो 5 आएगा ना यस सर 5 क्या आएगा बेटे आपके पास आ गया 4n² + 53n - 48n - 636 = 0 हमारे पास सिंपल n कॉमन है तो 4n + 53 माइनस हमारे पास 12 कॉमन है 12 तो ये भी आएगा 4n माइनस कॉमन लिया था तो प्लस हो जाएगा 53 = 0 नाउ वी हैव टू फैक्टर्स 4n + 53 एंड n - 12 तो अगर आप 4n + 53 को 0 रखेंगे बेटे तो n = -53/4 आएगा यस सर ये तो होगा नहीं नॉट पॉसिबल n = 12 आएगा तो नेगेटिव को हम लेंगे नहीं नॉट पॉसिबल क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो है नेगेटिव नहीं होंगी तो n = 12 इज अवर आंसर सब बच्चे बताइए कुछ समझ में आया क्या पूरा आया सर यस सर आ गया हां भाई सर एक बार फिर से समझा दीजिए वाला क्वेश्चन बोलो क्या समझना है बस ये बता दो कैलकुलेशन को कहोगे आप सर नीचे हां मतलब कैलकुलेशन कैलकुलेशन है ना बेटे हमारे पास क्या क्या है बताओ हमने एपी से एन ले लिया ए ले लिया डी ले लिया और एस एन ले लिया तो फॉर्मूला समझ में आ गया था आपको Yes, कितना फॉर्मूला सर समझ में आ गया था कैलकुलेशन ही समझ में आया हाँ तो यही है ना मैं अरे कैलकुलेशन तो अपने हाथ की है बेटे कैलकुलेशन जरूरी थोड़ा ही मेरे हिसाब से करो कैलकुलेशन इज टोटली योर्स ये हमारे पास है बच्चे ठीक है तो आप क्या करिए बताओ इसको कैसे सॉल्व करूं अब ये जो लिखा हुआ है हमारे पास क्या है बेटे ये हमारे पास है n बाई 2 2 9 जा कितना हो जाएगा 18 8 से मल्टीप्लाई करो 8n - 8 8 बताओ क्या हो जाएगा बेटे n / 2
18 माइनस 8 कितना होगा बेटे? 10. 10 प्लस? 8n. 8n. ठीक है? अब n by 2 से मल्टीप्लाई कर दूं. तो n by 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 से कितना? 5 टाइम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? Yes, तो 5n आएगा. और n by 2 को 8n से मल्टीप्लाई करूं, तो कितना आएगा बेटे? 4n स्क्वायर. Yes or no? Yes, sir. और लेफ्ट साइड में कितना है? लेफ्ट साइड में कितना है? लेफ्ट साइड में तो यही है ना बेटे, 636. ठीक है आफिया, ठीक है. अब 636 को अगर माइनस में लेके जाएंगे बेटे, इधर लेके जाएंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? 4n square plus 5n minus 636. बताइए ये बात समझ में आ गई? Yes sir. अब आपको सिर्फ इसके फैक्टर्स करने हैं. तो फैक्टर्स करने आते हैं या नहीं? Yes sir, वो हो जाएगा, उसका कैलकुलेशन नहीं आती. वो तो बेटे अपने हिसाब से क्या करो, जरूरी नहीं आप मुझे फॉलो करो. कैलकुलेशन बेटे उसमें करो जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो. मैं कहीं कॉमन ले लेता हूँ, कहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो वो मेरी चॉइस है. तो कैलकुलेशन तो बेटे आपको, देखो हमारे पास ना बेटे बस ये यहाँ तक 10th वाला पार्ट बेटे यहाँ आके खत्म हो गया. जहां पे हमने ये लिखा ना फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, बस वहां पे 10th वाला पार्ट आगे खत्म हो गया. ये फॉर्मूला अप्लाई करते ही उससे आगे तो आपकी चॉइस है, आप जैसे चाहे करो. ठीक है, गुड. आइए एक और करते हैं, ऐसे कोई भागने की जरूरत नहीं है. एक क्वेश्चन और करते हैं, शाबाश, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देगा आपको. आइए सर,